Audio.
हाँ, अभी आपको मम जवानी का पश्चात हुआ। नो ना 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 मम जवानी का पश्यसि वा इदानीम्। ना ना स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ मैं। अभी देखिए, आगे हम हाँ उत्तमम। तो नमो नमः चारुलता जी। नमो सर्वप्रथम ओम उच्चारण करोमि। अस्तु, अस्तु इदानीं अह आपको ये चीजें अभी थोड़ी आराम से समझने लगी ना। जैसे हम बोलते हैं हाँ तत् हाँ तत्फलम, हाँ तत्पुस्तकम, जी हाँ जी तत् दूरवाणी, तत् जलकूपी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हम कहते हैं अद्य। ये अद्य आपको यहाँ जीवनिका पे दिख रहा होगा। अद्य बीता हुआ कल, ये हमने एक बार पहले भी बात की थी। ह्यः, यहा तो ह और य मिलके ह्यः बनता है। और एक और दिन पहले, यदि आप बीता हुआ परसों बोलना चाहती हैं, तो पर यह, तो जो भी शब्द है उसमें पर लगा दीजिए तो वो एक और हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है पर यह, मतलब बीता हुआ परसों। आपने मैसेज भी भेजा था ना, ये मेरे को जवाब हाँ स्वाप पर हाँ मैं मालूम मेरे को हाँ तो अब बीता हुआ परसों जो है, असल में शब्द ही गलत है, क्योंकि परसों हमने जब भी बोला तो वो असल में ये परश्वः से बना हुआ है, और श्वः का मतलब है आने वाला कल। तो परश्वः अच्छा जो है, जब भी हम कहते हैं, उसका मतलब है आने वाला परसों। यदि कोई, टुमारो हाँ, वो श्वः है। टुमारो जो है वो श्वः है, कल। और परश्वः मतलब कल के बाद वाला दिन।
दिन तो वो परश्वः। हाँ लेकिन यदि हमको बीते हुए में एक दिन पहले का और बोलना है, जैसे ह्यः मतलब हाँ कल का, और पर ह्यः जो है वो बीता हुआ कल के भी एक पहले का दिन, तो वो पर ह्यः ही बोलना पड़ेगा, उसको हम परसों नहीं कह सकते, क्योंकि परसों का मतलब है आने वाला। ठीक है, तो ये बोलचाल की भाषा में लोग थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, मतलब हिंदी में कम से कम हम आने वाला हो चाहे बीता हुआ हो दोनों को परसों बोल देते हैं, हाँ लेकिन परसों जो है वो सिर्फ आने वाले में होता है, हाँ बीते हुए में पर ह्या है ही बोलना पड़ेगा, पर ह्या हाँ तभी वो सही शब्द होगा। ठीक है, अच्छा और चश्मे को उपनेत्रम, हाँ पुनेत्रम तो तब उपनेत्रम कुत्र अस्ति चारुलता जी? मम उपनेत्रम नास्ति नास्ति, भवत्याः उपनेत्रं नास्ति। नास्ति उत्तमम्। शस्त्र क्रिया क्रिया मम नेत्रम शस्त्र क्रिया कैटरेक्ट डन सो नो स्पे नो उपनेत्र न उपनेत्रम अस्ति उत्तमम उत्तमम। सो शस्त्र किया सफल भवति, सक्सेसफुल सफलम भवति। मम नेत्रम प्राप्नोति उत्तमम। 18 18 को क्या बोलते हैं नमो अष्टादश। उपनेत्र अष्टदशी नेत्र अभी मेरी आंख छोटे लड़की जो 15-17 साल की लड़की जैसी हो गई है डॉक्टर ने बोला मत पहना हाँ बहुत अच्छा है, वो ऑपरेशन शस्त्रक्रिया के बाद वैसा हो जाता है। अच्छा है, तो कभी शस्त्रक्रिया कदा 2015 भवति? 2015। इन टू टू उसको क्या बोलते हैं 2015 2015 को हम बोलेंगे पंद्रह पंचादश द्विसहस्त्र। बराबर तब तो अच्छा है, पिछले 5 साल 5 वर्षों अच्छा में भी आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी हैं, बहुत ही बढ़िया है। और आप योग में भी तो हैं, तो उससे फिर काफी सहायता मिलती है उसको, क्योंकि और मैं न्यूट्रिशन बहुत लेती हूँ एमवे बिजनेस वाले हैं हम अच्छा। अमेरिकन वे है ना होम बिजनेस वो मैं भी हूँ डिस्ट्रीब्यूटर मेरा बेटा बहू है मैं दूसरा मेरा बेटा भी है तो ओ अच्छा, न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं संस्कृत में पोषक तत्व आहार, पोषक आहार, पोषक तत्व। पोषक आहार स्पेशल फॉर आइस भी मैं लेती हूँ क्या चीज? न्यूट्रिशन फॉर आइस नेल्स एंड स्किन बायोटिन चेरी अच्छा, से आँख अच्छी रहती है प्राकृतिक है ना वो बायोटिन जेरी। हाँ हाँ हर्बल हर्बल एमवे बिजनेस अमेरिकन वे बिजनेस सब हर्बल ही बनाते हैं बहुत अच्छा बिजनेस है आप भी करो बहुत पैसे मिलते हैं उसमें पाइपलाइन नहीं, मुझे एमवे। चाहिए अच्छा अपलाइन अच्छी चाहिए आपको अपलाइन मेरे बेटे जैसी तो कर सकते हैं कहाँ भी दुनिया में अपलाइन बना सकते हैं कहीं भी डाउनलाइन बना सकते हैं दुनिया में कहीं भी इंडिया में नहीं सब जगह पे यही सब बिजनेस है नेटवर्क बिजनेस है नेटवर्क
तो आपने वो शब्दकोश किसी और को भी दिए? कौन से शब्द? शब्दकोश, हिंदी और अंग्रेजी संस्कृत मैं वाले जो रख दिया शब्दकोश। संभाल के, वो मेरी दुबई वाली बेटा है ना, उसको 3 लड़कियां हैं, वो इंग्लिश में आता है, उनको इंग्लिश आता है, इनमें तो अरबी आता है, अरबी लैंग्वेज इंग्लिश दो ही आती है, अच्छा। उसके लिए एक रखा है। और एक मैं यूज दो एक सेट में यूज करती हूँ, एक अच्छा हिंदी अच्छा और एक इंग्लिश, तो दोनों मैं यूज करती हूँ। और मैं उसमें देखा परस का दिन, परसों का देखा मैंने कि मिला ना। उसमें नहीं है, लेकिन मैं समझ गई। अब उसमें अच्छा शब्दकोश है, पर अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा जैसा कुछ भी नहीं 10,000 होता। शब्द है, 10,000 है खाली बस। हाँ, क्योंकि पूरा जैसा कुछ भी नहीं होता। संस्कृत ऐसी भाषा है जो लगातार बढ़ती रहती है, तो आप नए नए शब्द भी आते रहते हैं, तो वो हर शब्दकोश में आएंगे वैसा तो संभव नहीं है, पर उसमें हाँ, बहुत काम के उपयोगी शब्द नहीं मिल मेरे जाते को हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत देखा मैंने, बहुत सारे सीखी मैं उसमें से। हाँ, और जो भी आप पढ़ रही हैं उसको यदि वाक्य में उपयोग करते जाएंगे तो अब वो अच्छे से ध्यान में रह जाएगा। बराबर। तो ये वो मेरी भी, बहू है हाँ ना पप्पी के मामी, उसे बोलती हूँ मैं कभी कभी सोना से, फिर हाँ मैं बातचीत करती हूँ घर में, शामिया ताम बोलती हूँ, फिर कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। अच्छा, उत्तमम। तो आपको ये वाले याद हैं, पिछली बार हमने देखे थे हाँ, अश्व। अश्व, तो मैं आपसे हाँ कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, तो आप उत्तर देती रहिए, और आप भी एक दो प्रश्न की प्रयास करके देखिए। तो चारुलता जी, अश्व धावती वा? अश्व न धावती वा, तो कह न धाव भाव, अश्व न धावती, कह धावती। बालक धावती। उत्तमम उत्तमम। एषः आम्रम किं वर्णम अस्ति? ऐसा आम्र पीत वर्णम अस्ति। हाँ, अब एक थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। मैंने असल में एषः आम्रम लिख दिया है, जो कि गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आम्रम है, तो आम्रम का अर्थ ही है कि वो नपुंसक लिंग है, तो मुझे एतत् आम्रम कहना होगा। बराबर, एतत् आम्रम हाँ, पीत एतत्। कर पीत वर्णम। हाँ, एतत् आम्रम हरित वर्णम नास्ति? ना, एतत् आम्रम पीत वर्णम अस्ति। उत्तमम उत्तमम। सा इष्टिका पश्यसि वा? इष्टिका पश्यसि, सा इष्टिका पश्यसि, फिर से पश्यति फिर से। सा इष्टिका पश्यति। पश्यति किसके लिए होता है? पश्यामि जब कोई और देख रहा है, यदि आप खुद हैं। सा हाँ। इष्टिका पश्यामि। पश्यामि, जब आप खुद देख रही हैं तो पश्यामि। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी वो आ इ ई सारे स्वरों से हम एक एक शब्द सीख रहे हैं, और उनके साथ में उनके वाक्य भी बना रहे हैं। इस स्वरों के पूरे होने के बाद हम सारे व्यंजनों को भी उठाएंगे, उनसे भी बनाने वाले वाक्य और शब्द सीखेंगे, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। और हाँ क्यों साथ में हम, क्योंकि वाक्य भी बनाते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें उसके साथ में हमको सीखने मिलती जाती हैं, जैसे पश्यति, लिखत। तो अब हम आ ई, छोटी ई होगी, अब ये बड़ा ई, तो बड़ा ई के लिए है ईशह। तो ईशह कुत्र वसति चारुलता जी?
ईशा यत्र तत्र वसति, ईशः अत्र तत्र वसति, वस ईशः सर्वत्र वसति। क्योंकि अत्र तत्र मतलब हो जाता है इधर उधर या यहाँ वहाँ, सर्वत्र सर्वत्र। तो सर्वत्र बिल्कुल उत्तमम उत्तमम, सर्वत्र अस्ति। इसी के ऊपर एक छोटे बच्चे की कथा भी है कि वो पंडित जी के पास गया वाराणसी में उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो पंडित जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा कि पहले प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं देखूंगा कि तुमको विद्या देनी है कि नहीं। तो उन्होंने पूछा कि ईश्वर कुत्र अस्ति, तो वो बच्चा बोला कि ईश्वर कुत्र नास्ति। Exactly true. तो फिर पंडित जी ने उसको रख लिया कि चलो अच्छा है तुमको सब पता है। एकली जाई आज भी, एकली छुआ जी भी तो है ना, वो अच्छा मोंग भात ने साथ कर भात नहीं खा रहा, वो टेस्टी मोंग भात ने साथ कोई भी साथ चाय बने दीज। हाँ जी, शिष्य ना उत्तम जवाब दिया, ईश्वर कुत्र नास्ति नास्ति। कुत्र नास्ति, तो सब उसको उसने वही बता दिया कि कहाँ पे नहीं है ये बताइए गुरुजी। तो सभी जगह है। तो चारुलता जी, उष्ट्रह नृत्यति वा? उष्ट्रह नृत्यति वा? उष्ट्रह नृत्य करने को क्या बोलते हैं? नृत्य नृत्य नृत्यति सीधे आप बोल सकते हैं, तो नृत्य करता है वही हो जाएगा। उष्ट्र नृत्यते नृत्यति अथवा चलति, उसकी टेल वो उड़ती है ना इसीलिए, बाकी उसमें फर्क नहीं है, खड़ा भी हो सकता है लेकिन उसकी टेल उड़ने लगी है, तो नृत्य करेगा तभी उड़ेगा। आम आम नृत्यति उष्ट्रह आनंदे नृत्यति, उष्ट्रह रानी रानी नृत्य रानी रान डेजर्ट। हाँ आनंदेन रणे नृत्यति, तो वो रेगिस्तान में आनंद के साथ नृत्य कर रहा है। आपकी ड्राइंग अच्छी है हाँ, एकदम एग्जैक्ट लगता है। धन्यवाद धन्यवाद चारुलता जी, मेरे पोते को मैं सिखाऊंगी अभी। हाँ इसमें देख के आप उसको बता सकती हैं यदि चाहिए तो, वीडियो तो आपके पास रहता ही है। हाँ, वीडियो आपने चला के देखा ना पहले भी, जो भी लिंक में भेजता हूँ उससे। हाँ हाँ कल आपने सब वीडियो भेजे हैं, 7-8 कल मैंने पूरी प्लेलिस्ट भेजी है। हाँ हाँ, तो मैंने देख लिया, कल वाला अलग से भी भेजा था और फिर एक प्लेलिस्ट वो भी मिला। हाँ ये सब है ना, मैं स्टार में डाल दिया, कभी नहीं जाएगा मैं मोबाइल में से। हाँ, स्टार में डाल दिया सब, स्टार में वो अच्छा है। और उसको कहीं और भी सेव, जैसे आप उसके लिंक के ऊपर जाती है ना तो उसमें सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए यदि नहीं किया। अच्छा। है तो वैसे में क्या होता है कि ये फोन में से कभी चला भी गया तो भी वो यूट्यूब में रहेगा आपका वो लिस्ट। अच्छा अच्छा तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा जब लिंक पे आप जाएंगे तो। आम आम और उससे एक और फायदा है कि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो वो उसकी लिंक अपने आप आपको आ जाती है आपके फोन पे, मेरे भेजने की भी पहले आ जाएगी। अच्छा
ठीक है। उर्णा एतत् उर्णा किं वर्णम् अस्ति चारुलता जी? उड़ना क्या है ये उड़ना? ऊन, वूल, स्वेटर बनाने वाला जो होता है। हाँ उन उन लाल रंग अस्ति लो तो लाल क्या को क्या बोला बोलते हैं? आपको याद आ रहा लाल है? को रक्त वर्णम। रक्तवर्णम हाँ। रक्तवर्णम तो इसमें दो रंग दिख रहे हैं वैसे, रक्त वर्ण और नील वर्ण। तो रक्त वर्णम नील वर्णम च अस्ति, तो दोनों बोल सकते हैं। ना उन बोले ना उन हाँ उन रक्तवर्णम नीलवर्णम अस्ति। ये तीन है तो और बहुवचन आएगा ना, एक दो तीन है ना और इसमें नहीं है ऐसा। अच्छा, नहीं मैं तो अभी एक ही, मतलब भले ही दो तीन बॉल दिख रही अच्छा हैं अच्छा पर मैं एक की ही बात कर रहा हूँ। हाँ जब हम हाँ शुरू में सीखते हैं तो हम सब कुछ पहले अभी एक वचन एक और वचन में वर्तमान करते काल हैं। में सीख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी तो रक्त वर्णम नीलवर्णम अस्ति नील वर्णम च अस्ति। अस्ति चौ आएगा चौ मतलब ओ ओ ओ आ, और और हाँ वो है ना चमक आती है आपको चमक और नमक वो मेरे को चमक आती है थोड़ी थोड़ी बोलने का क्या कोई चीज है वो? उपनिषद का चमक नमक सूत्र है हाँ उसमें चमे 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 जो ये ऋषि मुनि है ना हमारे उन लोगों ने भगवान के पास पैसे मांगे लेकिन किसके लिए पैसे मांगे हैं क्या क्या करना है उसको पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा तो चमे 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 सब चमे में चमे मतलब ये सब मेरे को चाहिए अच्छा मैं आपको भेजूंगी निकाल के फोन में चमक स्तोत्र और नमक नमक। वो कोई स्तोत्र है। हाँ जी अच्छा, हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान से ही सब मांगा है और किसी से नहीं मांगा भगवान से ही मांगा है मेरे को ये दो वित्त तो शक्ति दो सारी शक्ति दो सब दो चमे 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 मैं भेजूंगी आपको चमक। हाँ, ठीक है चारुलता जी, बिल्कुल। हाँ तो उर्णस्य किम उपयोगः अस्ति? उपवस्त्रम किम उपयोग उपवस्त्रम करामि स्वेटर को उपवस्त्र बोलते हैं हाँ, उपवस्त्र आपको मालूम है या आप? नहीं जो ऊपर का वस्त्र को उपवस्त्र ही बोलते हैं वो हाँ जो झरनों में पहनाते हैं ना खेस वो लंबा कपड़ा ऑरेंज कलर का उसको भी उपवस्त्र बोलते हैं तो स्वेटर का एग्जैक्ट नहीं मालूम लेकिन उपवस्त्र मालूम है कपड़े के तो ऊपर कपड़ा। उपवस्त्रम। और आप शीत ऋतु के बारे में भी बोल सकती हैं कि शीत ऋतु शीत ऋतु उपयोग अस्ति। उपयोग अस्ति बालकृष्ण स्वरूप मूर्ति मैंने मेरे छोटे बालकृष्ण को भी ये वूल का भी पहनाया है। यहाँ बहुत ठंडी है अंशु जी अच्छा यहाँ आ जाओ बहुत ठंडी है बहुत मजा आती है बहुत ठंडी है तो उसको भी हम ठंड तो पहनाते यहाँ हैं पे भी शुरू हो अंदर गई अभी। हाँ ही। बेटा है ना पुणे में हाँ वो हाँ भी चेंज करता है मकान चेंज करने का उसको आज 2 दिन में
अच्छा अभी करना है। हाँ, एक दो जो जो जिसमें रहता था ना, 7-8 साल हो गया, उसने बेच दिया मकान मालिक ने, तो अभी दूसरा भाड़े पे जाने वाले। यहाँ हमारे 4 मकान है, फिर वहां नहीं बनाते, कितने मकान इकट्ठे करने, इसलिए यहाँ बड़ोड़ा में बहुत है, भाड़े पे रहते हैं, रेंट पे। अच्छा हाँ, अभी मुझे पहले तो 15,000 था, अभी 26,000 है, अभी पहले अभी 2 दिन बाप के रे। बाद 26,000, और उसका डिपॉजिट भी दिया 1,00,000 रुपीस। उसी एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं हाँ, दूसरे? बाजू में ही है, बाजू में ही, सर्विस के हिसाब से वहीं रहना पड़ा। चाणक चाकण है, चाकण चाकण सर्विस है चाकन। उसकी, हाँ। तो चिंचोर भी रहता है। तो वहां से चाकन शायद 15 मिनट 15-20 मिनट का रास्ता होगा नहीं, उनको। 1.5 घंटा रोज ड्राइविंग करना, सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, 3 घंटा ड्राइविंग करता है रोज। 1.5 घंटा ड्राइविंग है। हाँ, चाकर में स्कूल नहीं है ना, फिर स्कूल के बाजू में नहीं है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है चाकर, अच्छा। इसलिए स्कूल नहीं है वहाँ। हाँ चाकन देखा तो है मैंने, तो पूरा फैक्ट्री वैक्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां। 9 करी क्या है, 9 करने जैसा काम उसका नाम 9 करी, बस बिजनेस चाहिए बिजनेस। ये मेरा ये बेटा हुआ दुबई वाला, तो नौकरी। नौकरी, ऐसे गुजराती में व्याख्या होती है, डेफिनेशन, 9 करने जैसा काम उसका नाम नौकरी। नौकरी। हाँ वो तो सही बात है, उसका अर्थ ही वही है, क्योंकि हमारे नहीं करना पुराने चाहिए, लेकिन संस्कृति काम में देखते भी हैं। नौकरी करने का कोई चलन नहीं था। हर कोई अपना खुद से पेड़ पौधे, अपना फल सब्जी उगाता था, पानी नदी से भरता था या कुएं से भरता था और अपना जीवन चलाता था। उसको नौकरी करने की कोई गुजरात में इधर आवश्यकता ही नहीं एक थी। गुजरात में स्केल नहीं है पगार का, महाराष्ट्र जैसा, यहाँ तो उसको बहुत कम पैसे मिले, वहां तो अच्छा है, और सीए है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अच्छा है यहाँ तो। हाँ, पुणे में भी अच्छा। ज्यादा पढ़ाने से भी तकलीफ होती है बच्चों को, फिर नौकरी करनी पड़ती है। मैं तो खैर बहुत पहले छोड़ चुका हूं, तो बहुत अच्छा, आप स्वतंत्र है, जब भी मैं चाहे उस स्वतंत्र दिन कुछ हूं। कर सकते हैं, किसी के अंडर में रहना का नहीं, भगवान के अंडर में रहने का, बस उसकी नौकरी करो। मैं तो उसकी नौकरी नहीं, उसका काम ही करती हूँ, प्रभु कार्य। ये मैं भी तो वही कर रहा हूँ। अभी कल जा रहा हूँ आंध्र प्रदेश में, 25-26 एकड़ का जंगल लगाने के लिए। आपके सिस्टर का है ना, आपके मेरी बहन का है बहन ना। का। हाँ तो वो वहाँ पहुँच गई है अपनी टीम के साथ, और कल मैं भी निकल जाऊँगा, तो मैं भी पहुँच जाऊँगा उधर। अच्छा, खेती सबसे अच्छी है, एकदम श्रेष्ठ काम है खेती, सब सर्वश्रेष्ठ। खेत, और नौकरी कनिष्ठ है एकदम, नौकरी कनिष्ठ हाँ खराब, श्रेष्ठ का उल्टा होता है कनिष्ठ। आपकी स्क्रीन चली गई, अभी आई आई, नहीं आ रहा होगा आपको, सिर्फ हाँ, खाली नया स्क्रीन। पेज है, नया हाँ पेज है। कृषि कार्य। श्रेष्ठ हस्ती, सर्वश्रेष्ठ अस्ति। हमारी संस्कृति का नाम क्या है, ऋषि कृषि संस्कृति, ऋषि कृषि संस्कृति लिखो ये भी, ऋषि हाँ कृषि संस्कृति, ऋषि कृषि कृषि संस्कृति, संस्कृति। कृषकः पूजनीयः। वंदनीय, पूजनीय, वंदनीय, हाँ पूजनीयः वंदनीयः। अरे
अंशु महोदय, हाँ जरूर लता जी, एक 2 मिनट में आती हूँ मैं वापस, 2 ही मिनट, 1-2 मिनट खाली। हाँ।